क्या हालत हो रही है नागौर में, क्या हालत हो रही है खिवसर में, कितने से जीते थे पिछली बार? 1800-2000 से जीते थे कि दिव्या को मैंने जिता दिया, दिव्या को अब की बार मैं हरा दूंगा और ओसिया में हरा दूंगा। क्यों भाई, मैं समाज की बेटी नहीं हूं? मेरे दादाजी ने जिंदगी खपाई अपनी लोगों के विकास करने के लिए, मेरे पिता ने जिंदगी खपाई एक गांव के व्यक्ति के विकास करने के लिए। क्या गुनाह किया कि भाई दिव्या को हराऊंगा? बताओ मेरी गलती। हम तो चाहते हैं कि किसान कौम के कोई भी व्यक्ति हो तो निकले, बड़े बढ़िया करें। नहीं, दिव्या को हराएंगे, आके ओसिया में मीटिंगें करी, दिव्या को हराएंगे। सारी की सारी थली पट्टी में रिश्तेदारी है, सारे के सारे किसान वर्ग ने कहा सब बिल्कुल वोट नहीं देंगे हमारी बच्ची को। इस तरीके से गालियां निकालती है, वो हमारी बच्ची है, हमारे समाज का गौरव है और अकेली खड़े होकर हमारे लिए लड़ती है। क्या हालत हुई? आज भी हालत टाइट है बुरी तरीके से। रात को 4-4 बजे तक जा रहे, पैर पकड़ रहे लोगों के। मैंने राजनीति स्वाभिमान से करी है, समझौते नहीं किए और नहीं करूंगी। अभी मैंने कहा आंख में रंग रखो, उसूल पक्के, जिगर फौलाद का और तेवर तीखे ही रखूंगी चाहे कुछ भी हो। कौन ही खड़ी करी? मैं क्या आ रही थी बताओ, चलो बताओ, आप बताओ मुझे कैसे आ रहा है। 4 बजे वोट मांग रहे तो मेरे इलाके में 4 बजे मांगू 5 बजे? वो पूछने वाले कौन है? तुम तो अशोक गहलोत और उनके बेटों के सामने, तुम्हारा पूरा परिवार डीजे के सामने ठुमके लगा रहा था 19 के अंदर, उसके बाद ठुमके लगा लगा वोट मांगे, और उसके सामने जिसने तुम्हारे पिताजी को जेल के अंदर डलाया था, ठीक है, सामने दुश्मन आगे बढ़ बैठा था। मैं तो वो हूँ जो तुम्हारी सबकी लड़ाई लड़ी, तमाम किसान नेताओं को जिंदगी को खराब किया, अशोक गहलोत के बेटे को मैंने हराया और हरा के उसको ये कहा कि आप जादूगर नहीं हो गहलोत साहब, जादूगर नहीं हो, हरा दिया आपका बेटा, हरा दिया।